don't forget to like, share and subscribe our 24/7 channel. Also download our 24/7 app. Good morning everyone. Jai Hind, and let's start. I'm Kirti Pandey and I've brought for you daily current affairs on teachers adda and defense adda. Now let me make sure ki awaaz aa rahi hai and video clear hai. Video clear and awaaz aa rahi hai guys. Ek baar confirm kar do sare log. Defense pe it's all good, it seems all good. On teachers I need to confirm, on engineers I need to confirm once. Hanji, so good morning Shivam Sharma, very good morning. Hanji, good morning ma'am, all clear, thank you Rajat. Now again this is late, engineers again it's late. So chalo we'll start, let's start. Hanji, Sushil Swami, after so long, bahut din ho gaye na aaye hue aapko, matlab kahan gaye the, chutti mein gaye the, where were you Sushil? So chaliye we'll start the session. CDS ki preparation ho rahi hai na aap log ki, 14th November CDS, 14th November is CDS 2021. Hopefully you are preparing. Punjab again. Hi, kya ho raha hai? Ji. Aur good morning, Saurabh. Good morning. So chaliye, we'll start. The first question is, no, not the first question, but the first thing is, good things take time. ठीक है, आपको भी पता है कि Eiffel Tower को बनाने में बहुत time लगा है, ताजमहल को बनाने में बहुत time लगा है, और कोई भी छोटा सा कुछ इमारत बनाना है तो उसमें time नहीं लगता है. तो गुड थिंग टेक्स टाइम. ठीक है, और इसीलिए जब आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपके कज़न जो कि आपके सेम एज के हैं, उन्होंने पटाख से कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली है और सब कह रहे हैं देखो उसको देखो 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, लॉकडाउन में भी 25,000 रुपये महीना मिला ना, और तुम अभी तक तैयारी कर रहे हो, तो डोंट टेक टेंशन. ओके फाइन, उनका 20-25 जितना भी है, बहुत है, 1,00,000 भी है, हमको जब सरकारी नौकरी मिलेगी ठीक है देन वील स्टार्ट. ओके देन वील स्टार्ट अर्निंग मोर देन देम. तो दिस इज द थिंग, गुड थिंग्स टेक टाइम एंड देन just be patient and keep on practicing and revising and attending my daily current affairs sessions. Now the first question is ki aapko pata hai ki world day against trafficking 2021 jo hai wo abhi abhi manaya gaya tha. Ye kya hai ki bachcho ko ya fir auraton ko, women ko ek jagah se dusri jagah तस्करी किया जाता है. जैसे सामान का तस्करी होता है ना, स्मगलिंग होता है, आइवरी का बहुत सुना होगा, हाथी दांत का, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे लोगों को तस्करी किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बेच दिया जाता है. तो द क्वेश्चन इज कि इसका जो थीम था, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग 2021 का जो थीम था वो क्या था, व्हाट वाज द थीम? यस राधे राधे, पंजाब बघेल, राधे राधे, यस हाँ जी ठीक है. सुशील स्वामी हाय, नवीन नेगी जी का आंसर आ रहा है, सुशील स्वामी का आ रहा है. ओके, दे आर कंफ्यूज बिटवीन सी एंड डी, किंगसुख मुखर्जी का भी आंसर आ गया और वो डी बता रहे हैं, तो किंगसुख मुखर्जी इज ऑलवेज राइट. तो द आंसर इज विक्टिम्स. विक्टिम्स आप समझ रहे हैं जिन पे कोई भी जुल्म हुआ हो. वॉइस लीड द वे, विक्टिम्स वॉइस लीड द वे, ये है आपका थीम. और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, ऐसे कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे, यहाँ लिखा ही हुआ 30 जुलाई को मनाया गया था, ठीक है, याद रहेगा. अभी अगस्त चल रहा है, आज 10th of August है, आज से 10 दिन पहले ये सेलिब्रेट हुआ था, 30th of July वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन. ठीक है, अगेंस्ट लगाना नहीं भूलना, वी डोंट सेलिब्रेट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, वी सेलिब्रेट
अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, और ये जो है यूनाइटेड नेशन ऑन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 1997 में फाउंड हुआ था, ये सब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड क्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना वहाँ पे है जो कि यूरोप में। अंडरस्टूड? किस चीज़ के लिए इसका ट्रैफिकिंग होता है? फोर्स लेबर या फिर कोई भी विमेन जिसको मतलब एक्सप्लॉयट किया जाता है, ये सब के लिए इसका ट्रैफिकिंग होता है। एंड होते हैं ना छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ के फिर उनसे भीख मंगाया जाता है या काम करवाया जाता है, तो दीज आर द थिंग्स। अब बताओ, दिस क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, क्लास कब से सर? सारी क्लासेस हो रही हैं स्वामी जी, सारी क्लासेस हो रही हैं, डोंट वरी। नाउ यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस कि इंदिरा, ये तो पता ही आपको कि इंदिरा से आई एन डी इज इंडिया एंड आर ए से रशिया में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है ऑफ इंडियन आर्मी एंड रशियन आर्मी। सो यू हैव टू टेल कि कहाँ हुआ है, हमारे कैपिटल में हुआ है न्यू दिल्ली, उनके कैपिटल में हुआ है मॉस्को, उनके एक शहर में हुआ है जिसका नाम है वोल्गोग्राद, या फिर हमारे शहर में हुआ है जिसका नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम में क्या है? ISA का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका अभी फिफ्थ कंट्री जर्मनी उसको साइन किया है, राइट? और ये किसने स्टार्ट किया था? इंडिया और फ्रांस के हेड्स ने स्टार्ट किया था, इमैनुअल मैक्रॉन एंड PM नरेंद्र मोदी। ओके, आई गॉट द आंसर। सी, काफी लोगों का आंसर सही आ रहा है, तो ये आंसर सी है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 13 डे के लिए है एंड 12th edition है ये, ठीक है। तो ऐसा होता है कि एक बार हमारे यहाँ होता है फिर उनके यहाँ होता है, तो हम उनके यहाँ इवेंट में हो रहा है, यानी पहले हमारे यहाँ हुआ था तो नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ होगा, राइट? चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्री स्कूल किड्स? प्री स्कूल किड्स यानी स्कूल में एंटर करने के पहले वो पढ़ते हैं ना आप लोग, NC नर्सरी, प्ले ग्रुप, UKG, LKG, तो उनके लिए एक स्टार्ट किया गया है स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस स्कीम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम? सफल विद्या प्रवेश या विदेश परीक्षा सर्व शिक्षा अभियान, व्हाट इज द नेम? Soon it will start, Rajesh ji, soon it will start. No, सर्व शिक्षा अभियान is not answer. ये pre-school है ना, सर्व शिक्षा तो स्कूल वाले के लिए है। तो इसका नाम है विद्या प्रवेश, ठीक है। और गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है रूरल इंडिया के लिए, और ये भी रूरल इंडिया में से एक का, मतलब बच्चों को, रूरल इंडिया के बच्चों को जागरूक किया जाएगा। आपको पता है कि वो लोग अपने बच्चों को प्री स्कूल में नहीं भेजते हैं, दे स्टार्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, राइट? सो उसके लिए इसको सेलिब्रेट किया, मतलब लॉन्च किया गया है, और बेसिकली फॉर grade 1 स्टूडेंट। हाँ, गाँव में होता है ना, बच्चे बहुत लेट से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर कुछ इश्यूज आता है। आपको, आपने अगर नोटिस किया होगा, मतलब अगर आपका गांव जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जैसे UP में है या बिहार में है, तो वहाँ पे जो है बच्चे 8-9 साल के हो जाएंगे गांव वाले, फिर भी दे आर नॉट मतलब कंफर्टेबल इन रीडिंग एंड राइटिंग, सो दैट इज़ द इशू। और ये जो आपका एजुकेशन पॉलिसी है, ये स्टार्ट हुआ है विद्या प्रवेश 29th of July को, ठीक है, सफल CBSE स्टूडेंट के लिए। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी कारिकाल पोर्ट इज लोकेटेड? कारिकाल पोर्ट, अच्छा ये जो, अच्छा ये पहले आंसर बताओ, देन आई टेल यू वन मोर फैक्ट। FCAT के एडमिट कार्ड आ गया है क्या? नहीं, एडमिट कार्ड आया है, अगर किसी ने UPSC का EPFO डाला है, EPFO, ठीक है, इसका एडमिट कार्ड आया है, SSC CGL का एडमिट कार्ड आया है, SSC CGL और किसका एडमिट कार्ड आया है। एंड वन मोर न्यूज, 2018 के बाद रेलवे फिर से सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स का पोस्ट निकालने वाली है, तो जैसे पोस्ट निकलेगा आपको चैनल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यस, जैसे ही निकलेगा यू विल कम टू नो अबाउट इट। 4 का D बता रहे हैं लक्षद्वीप, अच्छा नहीं, लक्षद्वीप इज नॉट द आंसर, आंसर इज पुडुचेरी। देखो पुडुचेरी एक ऐसा जगह है ना जो चार तरफ वो है, एक तो हो गया पुडुचेरी, यमन है, कारिकाल है और माहे है। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कारिकाल जो है वो, मैं बता रही हूँ कि तमिलनाडु में है, ठीक है, देखिए यहाँ पे है कारिकाल, और पुडुचेरी में तो पुडुचेरी है ही,
और फिर ये बताइए कि यमन और माहे कहाँ पे, चार आइलैंड से मिलके बना है पुडुचेरी, सो यू हैव टू टेल दैट एंड इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, इसका कैपिटल खुद पुडुचेरी है. और वन मोर थिंग आई वाज गोइंग टू टेल यू, हाँ वो एक लेक का नाम बताएं जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, ठीक है, और वो ज़्यादा जो है वो आंध्र प्रदेश में है और कम जो है वो तमिलनाडु में है, या फिर कम आंध्र प्रदेश में और ज़्यादा तमिलनाडु में. You tell me this. 90:10% 90:10% का उसका रेशियो है. मैम सी डी एस कोर्स कब शुरू होगा? आई मेक श्योर एंड आई टेल यू, ठीक है राजेश. इट विल स्टार्ट सून. आई गेस 19th of August को स्टार्ट होने वाला है. इट वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी पुदुचेरी, यस. सो अब इस क्वेश्चन का आंसर पहले तो वो बताओ. हाँ पुलिकट लेक, यस किंग सुक, वेरी गुड. पुलिकट लेक के बारे में बात हो रही है. ये कितने परसेंट आंध्र प्रदेश में, कितने परसेंट तमिलनाडु में, ये भी बताओ. टिल देन द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन टेल मी विच कंट्री होस्टेड G20 कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग 2021. कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है पहले. हाँ हाँ पुलिकट लेक है. परसेंटेज बताइए कितने आंध्र प्रदेश में और कितने जो है वो तमिलनाडु में. How to download admin card? You go on the official website or you can also go on any one of the Adda's link, you'll get it. France is not the answer, no. It was hosted by Italy और ये भी जो है वो 30 जुलाई को ही हुआ है. कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग हमारे यहाँ से मीनाक्षी लेखी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर है, ठीक है. कल्चर मिनिस्टर की कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ये स्टेट मिनिस्टर्स हैं. तो इन्होंने ये गई थी और यहाँ पे इन्होंने इसको इंडिया को प्रेजेंट किया था, कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर एज ड्राइवर फॉर ग्रोथ. बिल्कुल इटली आंसर है, यस. अब इनका जो है निधन हो गया है, अब आपको बताना है कि ये किस कंट्री के थे, कौन. रॉबर्टो कैलासो वॉज अ विच कंट्री जिनका अभी डेथ हो गया. ही बिलोंग फ्रॉम विच कंट्री. माहे इन केरला एंड यमन इन आंध्र प्रदेश पुडुचेरी, वेरी गुड, यस. और बाकी कारिकाल इज इन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी इज इन पुडुचेरी. तो चार आइलैंड से बना हुआ है, ठीक है. हाँ जी माहे इज इन केरला. यमन वो कंट्री वाला यमन नहीं है, ठीक है, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है. आंध्र प्रदेश कार्यकाल तो आई हैव टोल्ड यू ओनली. ये जो है तमिलनाडु में है और पुडुचेरी इज इन पुडुचेरी. तो ये चार आइलैंड से बना आपका पुडुचेरी, एक बार मैप में देख लेना. ये आप बता रहे हैं कि इटली से बिलोंग करते हैं. जी ये इटली से बिलोंग करते हैं. देखिए इनके द्वारा बुक लिखा गया है रॉबर्टो कैलासो के द्वारा और ये बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानते थे, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, लैटिन, एंशियंट ग्रीक, संस्कृत, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानते थे. और ये खुद में एक लिटरेरी इंस्टीट्यूट ऑफ वन होता है ना, बहुत सारे महान लोग होते हैं, हम लोग भी कहते हैं प्रेमचंद जो है वो इंसान थोड़े, वो तो खुद में एक इंस्टीट्यूट है. तो ये थे और ये इटालियन इनका मदर टंग था. अच्छा बार्सिलोना से नहीं खेल रहे, ये फुटबॉलर नहीं है, राइटर है. अब बताओ कि विच कंट्री होल्ड्स अ रिकॉर्ड इन द मिक्स्ड 4x200, 4x बोलते हैं, 4x100 मिडले रिले. ये स्विमिंग है, ठीक है. अब बताना है आपको कि किस कंट्री के पास रिकॉर्ड है. फोर्ड इतना रहता है और 100 मीटर ये रहता है और स्विम करके हम होते हैं. डू यू, आप लोगों को स्विमिंग आती है क्या? डू एनी वन नो स्विमिंग ओवर है? गंगा जी में जाइएगा, डूबिएगा नहीं. टेल मी द आंसर. यस आशीष कुमार, आई एम फाइन. प्रशांत सोनी, आनंद कुमार सिंह, हेलो. ब्रजेश बराय जी, हाय. गिव मी आंसर्स, हरी अप, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देना स्टार्ट करें. यूएसए बता रहे हैं आप लोग, माइकल फिलिप्स को याद करके यूएसए बता रहे हैं क्या?
सो ब्रिटेन आंसर है. ब्रिटेन वन अ गोल्ड मेडल रिसेंटली इन टोक्यो ओलंपिक्स इन अ मिक्स्ड 4x100 मेडले. ठीक है, और यूएसए आंसर नहीं है. आई नो दैट यू आर कंफ्यूज कि माइकल फिलिप्स ही होगा. माइकल फिलिप्स अब नहीं आती है मैम. यस, अच्छा स्विमिंग नहीं आती. वेरी गुड, स्विमिंग आती भी है कुछ लोगों को. आशीष कुमार को स्विमिंग आती है. हाँ जी, नाउ यू हैव टू टेल मी कि हु वॉज नोन एज द मिराकल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़. ये क्वेश्चन भी आई हैव टोल्ड यू. नाउ लेट्स सी कि किसको आ रहा है आंसर. हाँ प्रशांत सोनी जी, आपका आंसर सही है बिल्कुल. नाउ टेल मी हु नोज आंसर. हाँ नाम से लग रहा है कि रॉबर्टो जो है वो फुटबॉलर है, पर नहीं है. सी, बिल्कुल सी आंसर नहीं है गाइस. सी तो गुरजीत कौर. कितना बार मैंने बताया कि 1-0 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन हॉकी टोक्यो 2020 ओनली वन गोल. तो वो किया था गुरजीत कौर ने. मान कौर आंसर है. हाँ बहुत बार बताया मैंने, आप लोग ऐसे ही कंफ्यूज होते रहेगा. मान कौर इज द आंसर. ठीक है, इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला है और ये एज ऑफ 103 जो ये एथलीट थी, दौड़ रही थी अभी भी एकदम फिट एंड फाइन. लेकिन अभी इनका डेथ हो गया और ये 103 वर्ष के उम्र में इनका डेथ हुआ है. आप लोग भी एकदम फिट एंड फाइन रहिए तो फिर आप लोग भी सेंचुरी बुला दीजिएगा, है ना. एंड डिफेंस में तो बेस्ट चीज़ यही है कि इट कीप्स यू फिट एंड फाइन. द जॉब इज ऑल अबाउट फिटनेस, राइट. इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई इन डिफेंस. SSC टेक होता है, फिर परमानेंट सर्विस कमीशन का टेक होता है. तो इन लोगों को तो एग्जाम ही नहीं देना होता है. जैसे अगर मान लो कोई सिंपल ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो उसको CDS का एग्जाम देना पड़ेगा. जैसे अभी CDS 2 का नोटिफिकेशन आया है, 24 अगस्त इज द लास्ट डेट टू फिल अप द फॉर्म और एग्जाम होगा आपका 14th of November को. और अगर कोई इंजीनियर स्टूडेंट है जिसको नहीं देना है CDS का एग्जाम, जिसको नहीं आता है GK GS, ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, तो वो सिंपल से अपना फॉर्म अप्लाई करेगा. उसका जो भी CGPA है, CGPA कुछ भी CGPA आया है उसको, उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट निकलेगा. ठीक है, आई गेस कि 70% आता है आपका परमानेंट सर्विस कमीशन में सिविल इंजीनियर्स के लिए. और अगर आपको 60% के भी अप्रॉक्स है तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा. यस, इतना कम है. हाँ जी है, बाकी लोगों के लिए ज़्यादा है. मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस ज़्यादा है, लेकिन सिविल वालों के लिए कम है. तो ये कर लिया जाएगा. एंड इसके साथ आपको क्या करना है, सीधे फॉर्म डालना है. आपको बोल दिया जाएगा कि अच्छा आपका जो है वो यहाँ पे पड़ा है सेंटर, इधर इट विल बी कपूरथला, इलाहाबाद, भोपाल या फिर बैंगलोर. और फिर आपको डेट सेलेक्ट करना है खुद से. फिर फटाक से SSB में जाना है, 5 दिन वहाँ पे मेहनत करना है, थोड़ा अंग्रेजी दिखाना है और आ जाना है, थोड़ा जनरल नॉलेज ऑल्सो. ठीक, कट ऑफ कितना हाई रहता है गर्ल्स के लिए? कट ऑफ हाई है क्योंकि सीट कम है ना, 12 सीट ही है. लेकिन अब गर्ल्स के लिए भी काफ़ी विंडो ओपन हो रहा है. अब सर्विस, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है, परमानेंट सर्विस कमीशन में भी मतलब यू विल गेट अ चांस. पहले 2-3 साल पहले व्हेन आई क्वालिफाइड तो यू वर नॉट हैविंग द चांस कि आप उसको परमानेंट सर्विस कमीशन में कर दो. हाँ बिल्कुल, 5th August बिल्कुल आंसर नहीं है. किसने कहा है? रजत कुमार भट्ट. मार पड़ने वाला एकदम काम कर रहे हैं आप आजकल, है ना. हाँ एरोनॉटिकल के लिए 70%. मैकेनिकल वालों का कट ऑफ हाई होता है मैम. हाँ मैकेनिकल वालों का कट ऑफ हाई इसलिए होता है ना क्योंकि बहुत कम सीट होता है, खासकर परमानेंट सर्विस कमीशन में तो बहुत कम सीट होता है. कंप्यूटर साइंस वालों के कितने जाते हैं? उनके भी 80 के अप्रॉक्स जाते हैं. अगर आपके 80 आसपास हैं, ऐसे शॉर्ट सर्विस वाले में देखना कभी कभी कम भी चला जाता है. मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जैसे 2 CDS होता है ना, जैसे 2 बार फॉर्म निकलता है साल में, तो जो फर्स्ट फॉर्म आता है उसका कट ऑफ कम जाता है और जो सेकेंड फॉर्म आता है उसका कट ऑफ मतलब अचानक से हाई चला जाता है. काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है उसमें. तो खैर, मुस्लिम वुमेन राइट डे ये वही दिन है. याद है पिछले साल 2019 में मोदी जी ने सावन के सोमवार में, हर सोमवार में कुछ ना कुछ भयानक अनाउंस किया था. कभी ये मुस्लिम वुमेन राइट, उसके बाद फिर वो अयोध्या मंदिर, फिर कश्मीर वाले, तो हर मंडे को सरप्राइज दे रहे थे. कुछ याद है आप लोगों को वैसा?
मुझे याद है क्योंकि मैंने ये नोटिस किया था. तो 1 अगस्त जो है वो सेलिब्रेट होता है आपका मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019. ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि किस साल है, ये भी इम्पोर्टेंट है. 2019 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है. 2020 में ये फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था और 2021 में अब ये सेकेंड बार सेलिब्रेट हुआ है. वो जो ट्रिपल तलाक होता है उसके अगेंस्ट. और ट्रिपल तलाक इज नॉट ओनली अ सिविल केस. ठीक है, हाँ जी, 80% जब चला जाता है. यस, और ट्रिपल तलाक जो है सिविल केस नहीं है, उसको अब क्रिमिनल केस में डाल दिया गया है. मतलब कि वो इंसान जेल जा सकता है, फाइन भी भरना पड़ सकता है. 3 साल तक के लिए जेल है मिनिमम. हाँ सावन, हाँ मुझे भी याद है, राम मंदिर था, फिर आर्टिकल 370 था. यस, यंफबा व्हाट इज दिस. गणेश ढोकने जी का भी आंसर आ रहा है. आयरलैंड बता रहे हैं, आयरलैंड आंसर नहीं है सर, आंसर इज इटली. ठीक है, 10 का आंसर आप लोग बता रहे हैं सी, जो कि सबको ही पता है. तलाक बिद्दत एंड तलाक एहसान, वेरी गुड. देखिए, एक होता है तलाक एहसान. तलाक एहसान में क्या होता है, ये ट्रिपल तलाक वाला बात है. ठीक है, एहसान कर रहे हैं आप, मतलब एक बार तलाक हुआ, ठीक है, फिर उनको चांस मिलता है टू मतलब क्लियर अप द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड देन. तो ये 3 तलाक जो है एक साथ नहीं दिया जाता है, 1, 2, 3 करके दिया जाता है. और अगर 3 बार बोल दिया गया, मतलब मान लो 1 दिया गया, फिर 1 साल बाद दूसरा दिया गया, या फिर 3 साल बाद फिर से झगड़ा चल रहा है तो फिर से दे दिया गया, ठीक है, तो वो ठीक है. लेकिन एक बार ही में 1, 2, 3 कर देना है तो वो होता है तलाक बिद्दत. तो तलाक बिद्दत नहीं देना है, ये क्रिमिनल केस हो जाएगा. अब बताइए कि कौन है जो दो, ये तो सबको जानते हैं कि ये पीवी सिंधु है, शटलर हैं, क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं. ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट मेडल जो था वो कब जीते थे, तो सिल्वर मेडल जीती थी ये रियो ओलंपिक्स में 2016 में. ठीक है, इसके पहले वाले में, रियो में हुआ था ये 2016 में, तो उनको मिला था फर्स्ट मेडल 2016, और इस बार मिला है ब्रॉन्ज मेडल. और किसको हराया वो याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी. बिंग मतलब किसको हरा के एंटर की थी. गोल्ड मेडल किसने जीता उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ कि किसको हरा के इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. तो बिंग जियाओ को हरा के, ठीक है, बिंग जियाओ, बिंग तो एक वो भी है ना, वेबसाइट भी है. तो बिंग जियाओ वेबसाइट नहीं है, सर्च इंजन है, वो याद रखिएगा. बिंग से बिंग जियाओ, आफ्टर डिफीटिंग बिंग जियाओ, ही बिंग जियाओ. ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड कौन जीते हैं ये बताइए. अगर आपको लग रहा है कि कॉमन वाले जो कि हर लुइस हैमिल्टन जीत जाते हैं तो नो. और जो कभी कभी लुइस हैमिल्टन जीतते हैं, नहीं जीतते हैं, तो सेबेस्टियन वेटल जीत जाते हैं तो नो, वो भी नहीं है. नाउ यू टेल मी द आंसर. लुइस हैमिल्टन को हरा के जीते हैं ये, क्या कैरोलिना मरीन, ये कहाँ से आ गई. कैरोलिना मरीन थोड़ी जीती है, कैरोलिना मरीन से बार बार हार जाती है पीवी सिंधु. ठीक है, नाम याद रहता है आप लोगों को, जापानी लोग का. सही है, सही है. यंजबा, ए आंसर बिल्कुल नहीं है, सेबेस्टियन वेटल आंसर नहीं है. ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है. ठीक है, एस्टेबन एकॉन है, याद है वो वाला क्वेश्चन जिसमें ये शैंपेन का बॉटल खोल रहे थे, वो वाला फोटो डाला था मैंने उस समय, नहीं याद आ रहा है. दैट मीन्स यू आर नॉट रेगुलर. रेगुलर है तो याद नहीं आता आप लोग को. और ये भी ध्यान रखना है कि सेबेस्टियन वेटल जो है वो क्या चलाते हैं, लुइस हैमिल्टन जो है वो क्या चलाते हैं, मर्सिडीज कौन चलाता है, रेडबुल कौन चलाता है. दीज थिंग्स ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर गाइज. अमित पनवार बता रहे हैं हरमन कौर, हरमन कौर इज नॉट द आंसर बॉय, द आंसर इज मान कौर. ठीक है, अब दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम लॉन्ग टाइम, जब से 1 तारीख शुरू हुआ है तब से मैं बता रही हूँ कि हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं. फ्रेंडशिप डे, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेट हो रहा है. और ये हर साल सेलिब्रेट होता है किस महीने में, 1 से लेकर 7 तारीख को ये सेलिब्रेट होता है, फ्रॉम फर्स्ट टू सेवेंथ ऑफ अगस्त. तो ये जो है
हैमिल्टन मर्सिडीज चलाते हैं, वेटल जो है वो एस्टन चलाते हैं, एस्टन मार्टिन। अच्छा ओके, रेडबुल कौन चलाता है फिर? 12 का भी बता रहे हैं, वेरी गुड आंसर इज राइट। और कौन सेलिब्रेट करता है ये याद रखिएगा, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे इज सेलिब्रेटेड, दो सेलिब्रेट होता है ना ये, एक WABA सेलिब्रेट करते हैं और एक और WABA सेलिब्रेट करते हैं और यूनिसेफ भी होता है, यूनिसेफ ये शेयर्ड है। और इस बार का थीम भी है अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों? क्योंकि आप लोग को पता है कि इंडिया जैसे कंट्री में या फिर बहुत सारे हमारे जैसे सोच विचार वाले कंट्री जो साउथ ईस्ट जो साउथ एशियन कंट्रीज है, वहाँ पे ऑल ऑफ द बर्डन बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू द मदर, द फादर इज नॉट इन्वॉल्व, उनको तो पेरेंटल लीव भी नहीं मिलता है। तो बेसिकली बात यही बोल रहे हैं ये कि ये जो है देखिए मदर है ये बेबी है तो ठीक है ये तो पाल लेंगी ही, लेकिन फादर शुड ऑल्सो हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा देन हु विल टेक केयर ऑफ हर हर। हाँ जी, रेडबुल डेनियल चलाते हैं। अच्छा वेबर, ओके तो ये थीम क्या है? थीम याद रखिएगा अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके क्लियर है, चलो। हु वन गोल्ड मेडल इन विमेन सिंगल बैडमिंटन एट टोक्यो ओलंपिक्स? अभी अभी मैंने बोला था कि जियाओ को हरा के पीवी सिंधु क्या जीती? ब्रॉन्ज मेडल जीती। तो आप बताओ कि गोल्ड मेडल जो है वो किसने जीता है ओलंपिक्स में? हरियाणा, बहुत यहाँ पे स्पोर्ट्स के ज्ञानी बच्चे बैठे हैं, है ना, पूरा एकदम बताओ F1 रेसिंग के बारे में डिटेल में बता रहे हैं, वेरी गुड। आशीष ठाकुर, नहीं सॉरी अविनाश ठाकुर, आशीष कुमार एंड रजत भट्ट, तीनों एकदम सही बता रहे हैं, एम्फोबा भी बता रहे हैं। चलो रेडबुल मैक्स भी चलता है। ओहो, बॉयज आर मोर अपडेटेड अबाउट कार्स एंड ऑल राइट एंड बाइक कार ये सब ना। फ्रेंकली मी आई एम नॉट हैविंग सो मच आइडिया अबाउट दीज थिंग्स, मतलब दिख जाता है ठीक है, गाड़ी समझ में आ जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन इतना डिटेल नहीं पता होता है। SSC JEE का 2021 का आप एप्लीकेशन डेट पूछ रहे हैं, अभी तो JEE 2020 का मेन्स का डेट आएगा और एप्लीकेशन डेट जैसे आएगा आकाश तो पता चल जाएगा आपको चैनल पे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। यस बताओ आंसर। हाँ ओके ओके ओके, तो यही यही है चेन, यू चेन का नाम भी गजब है यार, चेन तो समझ में आया, यूफी यूफी मतलब ये सारे नाम देख के ना लगता है जैसे कि कंप्यूटर में कोई एरर आ गया है, ठीक है, अचानक से कुछ भी लिख दिया जाता है या फिर वो जो होता है कि फॉर्म भरते टाइम नीचे रहता है चेक करने के लिए कि राइट दिस वर्ड, तो वैसे ही टाइप लगता है यूफी, है ना, यूफी 6 भी हो सकता है आगे। तो दिस इज अ थिंग, और ये जीत गई थी, मैंने वो मैच देखा था। सी स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है, यू शुड अप्रिशिएट अदर पीपल ऑल्सो, जैसे कि अभी नीरज चोपड़ा जीते थे तो जो फिफ्थ आए पाकिस्तान के अरशद नदीम जी, उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा इज माई आइडियल और उनको आइडियल मानते हैं और बोले कि नहीं ही वॉज द बेस्ट, एक्चुअली ही वॉज द बेस्ट, वो डिजर्व करते थे। तो पाकिस्तान जैसा कंट्री अगर हमारे बारे में तारीफ कर सकता है तो हम लोग को भी स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा देना चाहिए। एंड आई हैव सीन दिस मैच, सी थ्रू आउट दिस गर्ल वॉज भारी पड़े ऑन पीवी सिंधु, पूरे थ्रू आउट शी वॉज डोमिनेटिंग, पीवी सिंधु को बहुत बुरी तरह से हराया, ठीक है, तो मतलब शी शुड इम्प्रूव, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम शी विल डेफिनेटली विन गोल्ड मेडल। हाँ जी वर्ल्ड नंबर वन है बिल्कुल, अच्छी डिजर्व करती है, मैच देखा मैंने पूरा। तो बताओ कि विच नेशन हैज बैन कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन इन मेरीन पार्क्स? देखो बार बार ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद रहे, नहीं याद रहता आप लोगों को, बजरंग पुनिया बीटन बाय उज़्बेकिस्तान रेसलर, वो भी मैच सही था, यस यस यस, स्पोर्ट्समैनशिप करें, हाँ बिल्कुल, थाईलैंड बता रहे आंसर, ठीक है, यंग फिबा भी थाईलैंड बता रहे हैं, सारे लोग थाईलैंड बता रहे हैं।
आपने शूटिंग बेटर हू इज रिकॉर्ड बेटर, ठीक है। तो थाईलैंड अब आप लोग बता रहे हैं तो ठीक है। अब देखो एक काम करना, जो बच्चे पहले एशियन कंट्री के नाम नहीं लिखे हैं, 10 एशियन कंट्री है, कमेंट सेक्शन में आज एकदम शरीफ बच्चे की तरह, अच्छे बच्चे की तरह और बिल्कुल ही क्या बोलते हैं सिंसियर स्टूडेंट की तरह आप लोग 10 कंट्री का नाम लिखें जो कि एशियन कंट्री में है और इंडिया नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे लाओस है, ये बर्मा पुराना नाम लिखा है, म्यांमार होना चाहिए, फिर थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, सारे कंट्री दिख रहे हैं। तो सबका नाम एकदम अच्छे से लिख दीजिएगा सीक्वेंस में। कैसे सीक्वेंस में मैम, कैसे सीक्वेंस में लिखेंगे? अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में लिखेंगे, है ना। तो वियतनाम सबसे लास्ट में आना चाहिए एंड आई वॉन्ट दिस इन द कमेंट सेक्शन। जो बच्चे पहले लिख चुके हैं उनके लिए छूट है, अब नहीं लिखना है लेकिन वैसे लिखना है। बीटन बाय नहीं, चेन वो वाला मैच नहीं जो जिसमें से वो क्वालिफाई मतलब नहीं जा पाई थी, फिर वापस से ब्रॉन्ज से ब्रॉन्ज में करना पड़ा। हाँ वही मैच ताइजू, यस ताइजू, ताइजू राइट राइट राइट। ये तो जीती थी चेन यूई जो है वो, यू फी जो है वो जीती गोल्ड, लेकिन जो मैच जिसमें पीवी सिंधु नहीं जा पाई थी गोल्ड और सिल्वर मतलब कि फाइनल्स में, तो वो मैच देखा था मैंने। हाँ वो जो है वो ताइजू जीती थी, ठीक है ताइजू, वो ताइवान की थी, वो भी मतलब शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड, शी वॉज ओनली वेरी गुड, उन्हीं का बात कर रही मैं। हाँ 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 नाम भी वैसे है ना, मुझे भी मैं भी सारे जो है वो मिक्स अप कर देती हूँ। चलो तो याद रहेगा ना, जैसे इनका ऐसे याद रखना कि मैंने ऐसे याद किया है कि सी वाई जो है वो गोल्ड जीती है और पीवी सिंधु किसको हराई थी? बिंग को हराई थी, ठीक है बिंग को हराई थी पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु को कौन हराया था? तो जू हराती थी पीवी सिंधु को, ठीक है अब क्लियर है जी। 57 देखो इसमें से आप लोगों को पता है रवि कुमार दहिया का बात हो रहा है, ठीक है ये सब 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 पता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये 57 केजी के हैं, 57 केजी, यस 57 केजी के नहीं है, 57 केजी के श्रेणी में करते हैं ये अपना स्पोर्ट्स, ठीक यही है रवि कुमार दहिया। देखो तुम लोग ना स्पोर्ट्स में तो अब चेहरा याद रखो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं तो हो सकता है कि ऐसे फेस वगैरह भी वो फोटो वोटो में डाल के और पूछ लें, जैसे और गलती से अगर तुम लोग केबीसी में चले गए, गलती से नहीं खुशकिस्मती से अगर केबीसी में चले गए तो ऑडियो क्लिप सुनाया जाता है या फिर ऐसे वीडियो क्लिप सुनाया दिखाया जाता है, वो बोलते हैं कि बताओ ये जो भारत का झंडा लेके जा रहे हैं ये कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या खेलते हैं। तो याद रखिएगा 57 वर्ल्ड में रेसलिंग रवि दहिया, फिर 1 करोड़ जीत जाओगे तो मुझे भी दे देना 10%। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर यूथ ऑफ द इंडियन कंट्री, ओके तो ये बताइए। अच्छा अभी आ गया एशियन वाला आंसर, वेरी गुड, और एशियन वाला आंसर देने का बच्चा चाइना जापान नहीं है उसमें, नो एशियन कंट्री में नहीं है चाइना जापान, वो ऑब्जर्वर है, चाइना जापान साउथ कोरिया ये सब ऑब्जर्वर एसोसिएट मेंबर, इवन इंडिया भी कुछ भी लिख रहे हैं आप ना, श्रीलंका नेपाल भूटान कहां से गया, नो बताओ कि स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर यूथ इंडिया फॉर द यूथ ऑफ विच कंट्री, ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप निकाले हैं किसके लिए? शुभम सिंह थैंक यू, किसके लिए निकाले हैं? 1971 में लेट मिस मिसेस इंदिरा गांधी जो है, श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने एक बहुत हिस्टोरिकल काम किया, पता है इंडिया में इधर वेस्ट पाकिस्तान था इधर ईस्ट पाकिस्तान था, ये बोला था कि हम लोग को रोड दे दीजिए आप बीच में, ठीक है क्योंकि हमको अपने कंट्री में जाना है, तो बेसिकली वो इंडिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने वाला था। इंदिरा गांधी बोली नथिंग डूइंग खत्म, क्या करेंगे आप लोग को रोड चाहिए, काम करो आप लोग ये अलग कंट्री बन जाओ, पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश बन गया, है ना। सबसे हाईएस्ट सिटीजनशिप अवार्ड जो है वो इंदिरा गांधी को ही मिला है बांग्लादेश में, बांग्लादेश से। तो अभी 1971 में 2021 में 50 साल हो गए ना इस इवेंट को,
तो अब स्वर्ण जयंती, क्योंकि 50 साल हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां के यूथ बच्चों को, जो भी नौजवान बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देने का बात किया है, और ये बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी बच्चों के लिए इंडो बंगा टाइज, ये सब देखो, ये सब ना सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पावर होता है, ठीक है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। जब आप लोग थोड़ा और, जैसे यू विल बी ऑफिसर्स या ये सब, तो ये सब चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए कि वॉर कर दिया ठीक है या फिर एक्सरसाइज कर दिया, ये सब ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी, नेपाल से हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है, मतलब हम लोग वहाँ पे खाना देना उन्नत भी चलता है, और लड़कियाँ का भी शादी होता है। माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम वो वाला एरिया, बॉर्डर वाला एरिया, तो उनके मामी चाची दे कम फ्रॉम नेपाल ओनली, सो दीज थिंग्स आर सॉफ्ट डिप्लोमेसी। अब बांग्लादेश हम पे हमला करेगा तो सोचेगा ना कि भाई स्वर्ण जयंती है, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, लैंड स्वैप में लैंड भी दे दिए, इनसे क्या लड़ाई करना है। नेपाल भी यही सोचेगा। अभी जैसे वो वाला एड प्रॉब्लम है पिथौरागढ़ वाला काली रिवर पे, तो नेपाल भी सोचेगा नो वी डोंट वॉन्ट टू फाइट बिकॉज इंडिया इज ऑलरेडी सपोर्टिंग अस। फिर आपका योगा, इंटरनेशनल योगा डे जो आप पूरे वर्ल्ड में करवा रहे हैं, ये सब सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, ठीक है। हाँ, 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, वेरी गुड, और उनका नाम भी बता दीजिए जनरल का जो थे। व्हाई आर यू फीलिंग व्हाट हैपेंड? रॉन्ग इज नॉट अ प्रॉब्लम, रॉन्ग आंसर देना इज नॉट अ प्रॉब्लम, डोंट वरी। द बेस्ट थिंग इज, हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है तो ठीक है, कुछ इश्यूज भी हैं, हम सॉल्व कर लेंगे, वी आर वेरी इंटेलिजेंट। ऑफिसर होने का क्या मतलब होता है? ऑफिसर होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ऑफिसर होने का मतलब होता है कि उस प्रॉब्लम को आप रूट आउट करें, ठीक है, अपने अफेक्टिव इंटेलिजेंस से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से और लीडरशिप से। सो एम से बार नो प्रॉब्लम, आंसर्स गलत देना इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू हैव टू रिवाइज इट, बस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, आप भी सही आंसर देंगे बिल्कुल नेक्स्ट टाइम। क्यों नहीं आई जी पाकिस्तानी जनरल, और इंडियन जनरल कौन थे ये बताओ। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओल्ड व्हीकल्स इन इंडिया एज पर द रीसेंट रिकॉर्ड्स ऑफ रोड मिनिस्ट्री? हाँ जी अविनाश ठाकुर, अब आया आपका आंसर एकदम सही, अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है बस। नहीं आनंद कुमार सिंह, ग्रेसिया पोली इज नॉट द आंसर, ठीक है, ऑल द आंसर्स आई एम सीइंग, यस। तो ये बताओ किसका है, यूपी होगा, दिल्ली से लेके आते हैं, बिल्कुल ही ऐसा ना, एग्जाम में ऐसा ऐसा एग्जम्पशन बिल्कुल नहीं मारना, ठीक है। कर्नाटका होगा, बिहार वाले लोग जाते हैं वहाँ पे दो तीन गाड़ी और खरीद लेते हैं, यूपी वाले लोग जाते हैं पाँच छः गाड़ी खरीद लेते हैं, सब कोई वहाँ पे आईटी कंपनी ज्वाइन कर लेता, बहुत सारी गाड़ी खरीद लेते हैं, और देखो फिर ये हो जाता है पाइलिंग अप ऑन द रोड्स हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेटरन एक्टर अनूप श्याम जी का डेथ हो गया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये दो क्वेश्चन क्यों हो गया है, ठीक है, ही वॉज, हाँ ये जो है ठाकुर सज्जन सिंह का रोल किए थे एक टीवी शो में, अब आप लोग बताओ कि कौन सा शो था, और आई गारंटी कि सब कोई मम्मी के साथ बैठ के दोपहर में ये शो देख पाऊंगा, है ना, जबरदस्ती हम लोग सीरियल देख लेते हैं, टीचर बोलती है बच्चे आप लोग सीरियल क्यों देखते हैं, तो उनको कौन समझाए, क्यों, क्योंकि टीवी का रिमोट जो है वो मम्मी के हाथ में होता है, चैनल चेंज करने का परमिशन नहीं होता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है बोलो। हाँ जगजीत सिंह अरोड़ा थे, और अरोड़ा नहीं थे, अरोड़ा है और कैपिटल में नाम लिखे बिल्कुल। हाँ राइट, प्रतिज्ञा बिल्कुल, मन की आवाज प्रतिज्ञा, यही आंसर यही थे, सज्जन सिंह ठाकुर सज्जन सिंह बने थे, प्रतिज्ञा था सीरियल का नाम, देखे ही होंगे आप लोग, बालिका वधु भी आई गारंटी सबने देखा होगा, ये रिश्ता क्या कला था आई नॉट सीन, सबका गाना मैंने देखा है, वो जो स्टार्टिंग में चलता है ना, जैसे कि अड्डा का चलता है वैसे, मन की आवाज प्रतिज्ञा। अब बताओ वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है, When is World Tribal Day celebrated? Tribal से related कौन कौन सा आपका शेड्यूल है, schedule, schedule 5 और schedule 6, ठीक है, इसमें है आपका ट्राइबल एरिया,
और बहुत बार बताया मैंने ये शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, और इसमें आपका एटीएम मशीन, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एक और एम से मिजोरम। आनंद कुमार सिंह की पहली क्लास है, नो वरी आनंद कुमार सिंह, आप रेगुलर रहें, आपका भी क्लास एकदम सही से चलेगा, करंट अफेयर सही हो जाएगा। जो आपका जेई में आता है करंट अफेयर होता है ना, कि एसएससी जेई में 50 क्वेश्चंस के आते हैं रीजनिंग, ये तो बच्चे बनाते हैं, 100 क्वेश्चन आता है आपका जो भी ट्रेंड है, सिविल है, मैकेनिकल है, वो है ट्रेड ब्रांच आपका, और बाकी 50 क्वेश्चन जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस। और यहाँ पे यही दिस इज द थिंग जहाँ पे गेम चेंजर होता है, क्योंकि लोग 50 में 45 रीजनिंग में बनाते ही हैं। इतने दिन से आप लोग ट्रेड पढ़ रहे हैं तो आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर लोगे, 70-80 तक तो स्कोर कर ही लेंगे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होता है। लेकिन ये 50 क्वेश्चन का क्या, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट का कमज़ोर होता है, करेंट अफेयर, जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पसंद है ना, इसीलिए तो साइंस लिया था। स्टैंडर्ड 10th के बाद साइंस क्यों लिया था, क्योंकि आर्ट्स नहीं पढ़ना था, कॉमर्स समझ में नहीं आता है तो साइंस पढ़े, लेकिन अब फिर से वो पढ़ना पड़ा है तो उसके लिए ये क्लास है। बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है, आरआरबी जेई फिर आपका यूपी ट्रिपल एससी, यू विल कम टू नो ऑल द करेंट अफेयर्स, जितने भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं इसमें से ही आएंगे क्वेश्चन। चलो बहुत हो गया, 9th आंसर है 9th ऑफ अगस्त, ये है आपके ट्राइब वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल 9th अगस्त, ये इंटरनेशनल है गाइस, दिस इज इंटरनेशनल, ये नेशनल नहीं है, ठीक है। थीम क्या है, लीविंग नो वन बिहाइंड इंडिजीनियस पीपल एंड कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यस, अब बताओ नागासाकी डे कब मनाया जाता है, हिरोशिमा डे तो बताया उस दिन, अब नागासाकी डे बताइए आप लोग जल्दी से, 9th ऑफ अगस्त, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, और हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है, 6th ऑफ अगस्त। नागासाकी पे क्या गिराया गया था, फैट मैन, हिरोशिमा पे क्या गिराया गया था, यंग बॉय, याद रखना ये सब थोड़ा पूछते हैं ज्यादा। 76th एनिवर्सरी है, 1945 में अमेरिका ने जापान पे दो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन जो है फिजन में टूटता है, जैसे मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ए प्लस ए बी, तो ये टूट जाएगा ए और बी में हो जाएगा, तो ये फिजन है, और फ्यूजन में क्या होता है, जुड़ता है, ए और बी है तो ये फ्यूज हो जाएगा और ए बी बन जाएगा, तो ये फ्यूजन है और ये फिजन है, ओके। मध्य प्रदेश के ये पटेल जी जो है मध्य प्रदेश के बन गए, एमसी पटेल वैसे याद रखेगा। मिजोरम के कम्फा बबति हीरा बाबू, में मुझे याद आता है हीरा बाबू कम्फा बबति बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश के जो है राजेंद्र विश्वनाथ अड़लेकर बने हैं। बफरिंग तो नहीं हो रहा है यार, तुम एक बार चेक कर लो रोहित, अपना नेट एक बार चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन परफॉर्मेंस फ्यूजन, ठीक है। गोवा के बने हैं, ये मैंने करवाया कुछ दिन पहले, पी एच श्रीधरन पिल्लई। आज आता है क्वेश्चन, ये मत सोचना मैडम नहीं आएगा क्वेश्चन, आएगा। त्रिपुरा के नारायण आर्या बने हैं। झारखंड के बने हैं रमेश व्यास जी, रमेश व्यास। और हरियाणा के दत्तारे बने हैं गवर्नर, कुछ नए गवर्नर हैं जो बने हैं, तो यहाँ पे एक बार एक नज़र देख लोगे ना तो याद रहेगा, मतलब ध्यान में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा एग्जाम में कि आप लोगों को पूछा जाएगा कर्नाटका के कौन गवर्नर और यही चार में से ऑप्शन दे दिया जाएगा, वो वहाँ से ही रिलेटेड कुछ कुछ पूछेंगे, तो अगर लगेगा तुमको कि भाई ये तो बने ही नहीं है तो काम आसान हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द थिंग इज अबाउट एलिमिनेशन, ऑप्शन वाले में ना एलिमिनेट करने का ज़्यादा होता है ट्रिक। अब ये कुछ मेडल्स हैं लॉन टेनिस के, बेसिकली ठीक है, लॉन टेनिस के मेडल है कि मेन सिंगल जो है वो नोवाक जोकोविच जीते हैं, और हारे कौन थे, मार्टियो बर्टिनी हारे हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, आपको पता है ये जीत गए थे मेन सिंगल। उसके बाद विमेन सिंगल कौन जीती, आश्ली बाटले जीती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। फिर विमलैंडन का ही है, ठीक है, विमलैंडन का है, विमलैंडन इज नॉट मेंशन। फिर मेंस डबल जो है वो निकोला जीते हैं, विमेन डबल जो है वो हिन सुई वी जीती हैं, और मिक्स डबल्स ये दोनों मिलके जीत गए और ये दोनों मिलके हार गए, ये नहीं पूछा जाता है कभी मिक्स डबल्स, ठीक है। अब बच्चों
बहुत सारे कोर्सेज रिलीज हुए हैं, आपको पता है अड्डा इज हेल्पिंग यू फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक की मदद की जा रही है। कोर्सेज बनाए गए हैं स्पेसिफिकली आपके एग्जाम्स के लिए, एक्सपर्ट लोगों ने कोर्सेज बनाए हैं कि एग्जाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, जो नहीं आ सकता है उसको एलिमिनेट किया गया। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बर्डन बना लेते हैं, फिर सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद सब पढ़ने के बाद आधे से ज़्यादा भूल जाते हैं, और उसमें से वो चीज़ें भूल जाते हैं जो एक्चुअली एग्जाम में आने वाले हैं। लंडन और फ्रेंच कन्फ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, अभी सारा हो जाने दो, यूएस ओपन हो जाने दो, फिर क्लियर करके हम लोग उसको पढ़ लेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि एक है महापैक, ठीक है, फिर है आपका वीडियो कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, एंड एवरीथिंग व्हाट कैन बी आज या जो भी चीज हो सकता है वो हम लोगों ने एक जगह समअप कर दिया है सब कुछ। तो वो समअप करके एक कोर्स बना दिया है, आप लोग अड्डा पे जाएं और देखें कि आपको बेस्ट कोर्स कौन सा चाहिए। कि आप उस फेज में हैं जो बिल्कुल अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो आप कोर्सेज लें, उस फेज में जिसको सब कुछ पता है अब बस चेक करना है कि भाई टेस्ट सीरीज मेरा बन रहा है कि नहीं, तो आप वो कोर्सेज लें जो आपको सही लगता है, ये बिल्कुल ही कस्टमाइज है, यू कैन गो एंड चेक। एंड वॉट इज द मैजिकल कोड, द मैजिकल कोड इज Y332, आपको यूज करना है Y332। वाई से कौन सा शहर होता है, न्यूयॉर्क का यॉर्क वाला है ना, यॉर्कशायर, सो यू कैन गो एंड चेक देयर, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ यार, रुको, क्वेश्चन है, फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कर दूंगी, आई हैव टू ट्राई समथिंग न्यू। हाँ, तो अब है कि Who won his first European Tour title at Scottish Championship? ये बताओ। हाँ यार, बहुत सीरियल दिखा दिखा के मम्मी ने बहुत बोर किया, उसके बाद फिर हम लोग इस सीरियल जैसा सोचने लगे है ना, कि कॉलेज जाएंगे तो ऐसे हवा में बाल उड़ेगा, फिर इधर से रोज पेटल गिरेगा, कुछ नहीं हुआ, मतलब कि बैठे बैठे ही कॉलेज खत्म हो गया। ये बताइए यूरोपियन टूर में कौन जीता है, गोल्फ, गोल्फ ये है, गोल्फ खेल रहे हैं, देखिए क्यों, गोल्फ मुझे समझ में ही नहीं आया आज तक, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्या ये लोग करते हैं, मतलब ऐसे बॉल मार देंगे फिर घास में ढूंढेंगे वो, लेकिन वो अच्छा लगता है, वो जो गाड़ी चलता है छोटा सा, हाँ वो सही लगता है, फिर ये मार देंगे, फिर ये लोग जाएंगे बॉल ढूंढेंगे, फिर आएंगे, फिर बोलेंगे स्कोर हो गया, तो समझ में नहीं आता है, पर ठीक है देखने में सही लगता है, ग्रीन ग्रास भी अच्छा लगता है। तो ये जो है ग्रैंड फॉरेस्ट जीते हैं, ठीक है, ग्रैंड फॉरेस्ट ये जीते हैं, स्कॉटलैंड के हैं ये, अभी तो वहाँ ही के देश, कितना एडवांस देश वाला ही खेल सकता है। इंडिया में कौन गोल्फ खेलता है, जीव मिल्खा सिंह खेलता है ना, मिल्खा सिंह के जो बेटे हैं जीव मिल्खा सिंह। तो यही सब है, कुछ डिटेल है, इंटरेस्ट हुआ तो पढ़ लेना, ऐसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बस इसलिए डाला कि मान लो अगर एग्जाम में इनका नाम आ जाता तो एकदम आप बताइएगा मत, टेंशन मत ले लीजिएगा, गोल्फ खेलते हैं है ना, डोंट गेट पैनिक। मैम दीपिका को मानी है, मैम नहीं, कहाँ जीती है, नो। इंडियन नेवी टुक बायलेटरल एक्सरसाइज जैद तलवार 2021, ये किसके किसके बीच हुआ है, इंडिया और किसके किसके बीच हुआ है, टेल मी दिस। हाँ अच्छा, गोविंद प्रसाद जी आपका एकदम सुस्वागतम है, फर्स्ट टाइम इन चैनल, बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर ले और रोज आ जाइएगा, कब चैनल पे 8 बजे, 8 AM। आप लोगों को पता है ना क्लास का टाइम, करंट अफेयर्स बाय कीर्ति पांडे, आई एम ओनली, ठीक है, 8 बजे आना है सुबह टाइम पे, गाइज यू कम लेट तो आ जाइएगा। और ये है इंडिया और यूएई के बीच में, यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है एमिरेट दिरहम, जो भी दिरहम में कमाता है तो खैर वो तो नेक्स्ट अंबानी बनने वाला है। प्रेसिडेंट जो है वो जैद अल नेहान है, और स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स नहीं पता होगा यूएई का, कैमल रेसिंग है, ऊंट का रेस, आप लोग के पास भी होगा कोई ट्रेंड तो लेते जाइएगा। खैर जैद तलवार, देखो ये तुम लोग को याद रहेगा कि इंडिया और यूएई का, मुझे पता है, लेकिन तुम लोग क्या भूल जाओगे, तुम लोग भूल जाओगे कि ये नेवी का है,
और मार दोगे वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज। और अब जो है ये एक्सरसाइज इतना कॉमन हो चुका है कि वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि किस कंट्री का है, वो पूछेंगे भाई क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है, कि अपने में ही जो हम लोग करते हैं बायलेटरल, मतलब कि इंडिया एक और करता है ना यूनिलेटरल, जिसमें हमारा ही सारा इन्वॉल्व रहता है, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री सब। सो याद रखिएगा गाइज ये फोटोस है, ठीक है, फोटो मैं इसलिए डालती हूँ कि याद रहे चीजें, नेवी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। Which state has named Indian women hockey team player Vandana Kataria as State Department of Women Empowerment and Child Development Brand Ambassador? Vandana Kataria को बना दिया है इन्होंने Brand Ambassador of Women Empowerment and Child Development। एक CDPO का भी exam होता था इसके लिए, Child Development Progress Office। कैमल रेस को रिमोट कंट्रोल से नहीं दौड़ाना है, यहाँ पे क्या वो वेलकम टू बस शूटिंग चल रहा है। सो द स्टेट इज उत्तराखंड, इन्होंने बनाया है इसको, ठीक है, ये इसके सीएम है, दिख रहा है आपको, इनका नाम है पुष्कर सिंह धम्मी और देवी बेबी रानी मौर्या जो है वो गवर्नर है, बाकी सब ठीक है। 25 लाख रुपया भी मिल गया है वंदना कटारिया जी को, तो हैट्रिक मारी थी, याद है ना, बताया था मैंने, हैट्रिक मारी थी इस बार, 4-5 लोग बहुत फेमस हुए हैं, रानी रामपाल कैप्टन है, सविता पुनिया जो है गोलकीपर है, नौशी इज द डेफिनेशन ऑफ द वॉल ऑफ द इंडियन वुमेन हॉकी टीम, और गुरजीत कौर क्योंकि वो 1 गोल मारी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और एक ये है क्योंकि ये एक मैच में हैट्रिक मार दी थी, 3 गोल मारी, तीनों थड़ाधड़ यही मार दी, ठीक, हैट्रिक होता है ना क्रिकेट में, 3 गोल, 3 विकेट लेने पे, 3 सिक्स मारने पे हैट्रिक होता है। हाँ ये बात है कि गवर्नर थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन अभी सरकार जो है स्टेबल है तो गवर्नर अभी चेंज नहीं होगा। अब बताओ कि थर्ड ONGC हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट उज्ज्वल अभियान किसने लॉन्च करा है, तो ये लॉन्च करा है, इसको ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, रमेश्वर तेली जी ने किया है, ठीक है, तेली है, तेल नहीं है, तेली, तेल का तेली नहीं निकालना है, रमेश्वर तेली जी ने किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैव डेवलप्ड अ लो कॉस्ट वाटर प्योरिफिकेशन एंड वाटर ट्रीटमेंट। अब जहाँ पानी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वही किया है, ऐसे याद रखना, पानी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है, राजस्थान में है, राजस्थान में, वो IIT जोधपुर ने किया है कि एकदम पानी को ये लोग प्योरीफाई कर देंगे, अल्ट्रा फिल्टरेशन। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च उज्ज्वला 2.0, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना पता ही होगा, By handing over LPG connection, इनको LPG connection बांटने में बड़ा मन लगता है, connection at which district of उत्तर प्रदेश, अभी जो है कहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो महोबा से स्टार्ट किया गया है, ये सब मैं जल्दी बता रही हूँ क्योंकि इनके साथ नहीं सुने होंगे तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दूसरा ऑप्शन देख के एकदम याद कर लो कि महोबा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है उज्ज्वला 2.0, जो मतलब कि फिर से बांटना शुरू कर देंगे LPG सिलेंडर बोले तो लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या होता है, ब्यूटेन होता है और थोड़ा बहुत प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन में कितना कार्बन होता है, 4 कार्बन होता है और C4H10 हो गया ना, N और 2N+2, यस 10, और C3H8 ये हो गया प्रोपेन, ठीक। चलिए फिर बताइए कि विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज इनॉग्रेटेड एकेडमिक ऑफ क्लासिकल फोक आर्ट, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने एकेडमिक ऑफ क्लासिकल फोक आर्ट स्टार्ट किया है, हम किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं, हम अड्डा के पार्टी से रिलेटेड है, अड्डा 24/7 इज माई पार्टी, यस, एडिशनल 1 करोड़, यस यस यस। तो ये है आपका IIT खड़गपुर, देखिए ये एकदम क्लासिकल फोक डांस ये सब स्टार्ट होगा और लोगों को और अप्रिशिएट किया जाएगा, होता है ना कि कुछ लोग जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं लेकिन कॉलेज जाने के बाद पढ़ाई में एकदम बर्डन हो जाता है, फिर भूल जाते हैं कि अच्छा मैं कभी गिटार बजाता था, मैं कभी डांस करता था, तो उन लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए कल्चरल एंड फोक आर्ट स्टार्ट किया गया है, ट्रेनिंग ऑन म्यूजिक एंड अदर परफॉर्मिंग आर्ट। ये कौन सा आर्ट करें आप लोग बता सकते हैं, ये जो है ये कौन सा आर्ट, ये कौन सा डांस है, ये थोड़ा ड्रेस वगैरह सब बता सकते हैं, एन एक्सप्रेशन हाथ का, ये भरतनाट्यम है, ये भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का और क्या है,
बताना ऑप्शन में, केरला, केरला में क्या होता है, एक होता है आपका कथकली और मोहिनी अट्टम। चलिए आप बताओ कि कहां पे 3 मेगा बैंबू क्लस्टर आर प्रपोज टू बी सेटअप, वेयर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम या फिर मेघालय। द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। बैंबू क्लस्टर आप लोग सोचोगे कि नॉर्थ ईस्ट चले गए, नो, तो ये जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने ही किया है, लेकिन एक क्लस्टर प्रोग्राम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, यस यस, नो, मुझे पता था यू थिंक असम, बट असम इज नॉट द आंसर। नाउ यू टेल मी हु इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्म बाय लेबर मिनिस्ट्री टू एक्सेस द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। अब एक बना है एक्सपर्ट ग्रुप कि हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, तो अपने एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को यानी कि रोजगार का जो भी स्टेटस है उसको चेक करने के लिए एक बना है एक्सपर्ट कमेटी, उसका हेड कौन है, तो उसके जो हेड हैं वो हैं आपके एसपी मुखर्जी। ठीक है, एसपी मुखर्जी इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप। क्लियर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, हाँ बिल्कुल, हु इज द हेड ऑफ द पैनल फॉर कंजर्विंग लद्दाख लैंड एंड कल्चर। ये भी नहीं पता होगा, पता है एसपी मुखर्जी को बता रहे हैं आप लोग, वाह बढ़िया। तो ये जो हेड ऑफ द पैनल है वो ये है, ठीक है, जिनका नाम क्या है यहाँ देख लो, जी किशन रेड्डी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी किशन रेड्डी, ये हेड ऑफ द पैनल है और इन्हीं को बनाया गया है जी किशन रेड्डी को क्या करने के लिए, लद्दाख में मतलब द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमिटी टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज कल्चर। बहुत वहाँ पे हर ट्राइब का अपना अपना कल्चर है, तो सबको प्रोटेक्ट करना है। और आप लोग को पता होगा कि इंडिया में बहुत, इंडिया इज द सेकेंड, कि यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज और कल्चर है, और एक और कंट्री है जो कि फर्स्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट मुंडी पे, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिस कंट्री इज, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ पे इंडिया से भी ज़्यादा लैंग्वेज और कल्चर है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमिटी बनाया गया है और जी कृष्ण रेड्डी जो है वो इसके हेड है। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट, अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें, नहीं पसंद आया तो ज़रूर से शेयर कर दें, क्या पता किसी और को पसंद आ जाए, किसी और के काम आ जाए। कमेंट में लिखिए क्या लिखना है, मुझे चाहिए ऑल द स्टूडेंट्स will tell me in the comment section the name of the Asian countries, Asian countries के नाम बताने आप लोगों को, ठीक है, Asian countries के नाम बताने आप लोगों को, all the 10 Asian countries I want in the comment section guys, share, comment, like, subscribe the channel and also what else, thank you very much for watching। रोज आना है कहाँ, 8 बजे आना है, 8 AM ऑन अड्डा फॉर, या तो आप डिफेंस के चैनल पे आ जाएं या तो फिर आप इंजीनियर्स के चैनल पे आ जाएं, और यहाँ पे आपको टाइम पे आना है और बिल्कुल करंट अफेयर्स का टेंशन नहीं लेना है, ऑल द करंट अफेयर्स इज माय गारंटी, आई विल कवर इट, बट यू हैव टू डू वन थिंग, रिवाइज, ठीक है, रिवाइज करते जाना है, मोर एंड मोर यू हैव टू रिवाइज इट। Thank you very much. Yes.